सो गुड मॉर्निंग यूट्यूब, और कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ पुदू गांव। जब भी हम कहीं बाहर आउटिंग पे घूमने जाने के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि हमें या तो कोई डैम जाना है या कोई वाटरफॉल जाना है, बट हम ऐसी छोटी छोटी जगहों को, गाँव को मिस कर देते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत इस जगह के बारे में मुझे संदीप भाई ने बताया था, छत्तीसगढ़ डायरीज़ के जो हैं संदीप राठौर। जब आप आते हैं, आप मरवाही बाईपास जो रतनपुर से आगे जो रोड है चापी डैम के, पहले आपको राइट अंदर मुड़ना होगा 10 किलोमीटर, और अंदर आएंगे तो अचानक से आपको एक कोई छोटा तालाब मिलेगा, जंगल एरिया है। और उसके बाद आप निकलेंगे तो पूरा ओपन लैंड है, वैली है, चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं। और यहाँ एक आश्रम है, मैं अभी वहीं पहुँच चुका हूँ आश्रम में। तो बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल है ये लोकेशन। आप अगर आप कभी कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं जाना चाहते हैं, कोई टाइम कुछ अपने साथ स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, आके बैठ सकते हैं। रास्ते में आपको स्कूल दिखेगा, पहाड़ों के बीच खेत हैं, खुले मैदान हैं, तो जगह बहुत ही लाइवली हो जाती है ऐसी कोई भी जगह। और खासकर बारिश के समय जब इतनी ग्रीनरी होती है तो वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस। और इधर बच्चे नहा रहे हैं तालाब में। एक्चुअली दिखाता हूँ आगे आपको और बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, जैसा कि आपने देखा, ये जो मंदिर है यहाँ पे, ये बहुत पुरानी मंदिर है, 1100 शताब्दी में बनी हुई मंदिर है। जैसा कि यहाँ के पंडित जी जो हैं, केयर टेकर हैं यहाँ के, उन्होंने मुझे बताया, शांत जगह है ये, टूरिस्ट प्लेस नहीं है, तो आप उस तरह से माइंड में लेके इस जगह पे मत आइएगा। और आ सकते हैं आप, यहाँ तालाब है, वहाँ बैठिए, अपने लिए समय आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ आप कुछ एक पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसे आप माइंड में लेके आएंगे कि हाँ मुझे झरना या डैम या ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ जगहें जो होती हैं वो सिर्फ अपने लिए होती हैं। तो ये गांव वैसा ही है, और चारों तरफ आपको पहाड़ दिखेंगी, वादियों, ऐसा लगेगा आप एक वैली में हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी भी रीजन से वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा तो बेशक डिसलाइक कर दीजिएगा, मगर फीडबैक दे के जाइए, वो मैटर करता है। बस चलिए चलते हैं और ऐसे ही किसी अगले लोकेशन को ढूंढते हैं। और थैंक्स टू संदीप भाई जिन्होंने इतना पीसफुल और शानदार लोकेशन रिकमेंड किया। नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। संदीप भाई, आपको याद कर रहे हैं बाबा जी, बता रहे हैं आप आए थे लंबा लेंस लेके, है ना बाबा जी? हाँ। बड़ा लेंस लिए हुए थे? हाँ जी। फोटो शूट कर रहे थे? हाँ। उड़ा रहे थे हाँ। हाँ। ड्रोन उड़ा रहे थे, है ना? हाँ। जी ठीक है, पहुंच जाएगा आपका बाथरूम तक।